हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं पीआई इंडस्ट्रीज के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 14 जुलाई 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो वो स्टार्ट कर पाओगे। और चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले पीआई इंडस्ट्रीज में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, आज के दिन पीआई इंडस्ट्रीज में हमें 3.42% का एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 29.90 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई नेगेटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारे को ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वॉल्यूम की तो एवरेज से ज्यादा हमें वॉल्यूम जो देखने मिल रहा है। कैंडल भी जरूर मैं कहूँ तो मीडियम टू लार्ज साइज की कैंडल बनी, ऊपर के साइड में छोटी सी हमें विक भी जो देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ यहाँ पे आरएसआई की, आरएसआई 72-73 मतलब ओवर बॉट एरिया के यहाँ पे जो करंटली हमारा आरएसआई एंट्री ले चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर एक अभी जो है नेगेटिव मूवमेंट का इशारा देता है। लेकिन याद रखना आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करेंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक जो यहाँ पे हमें जरूर एक डाउन साइड में आते हुए देखने मिलने वाला है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं स्टॉक में ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे आने वाले दिनों में कुछ यहाँ पे करेक्शन हमें देखने मिलने वाला है क्योंकि स्टॉक यहाँ पे कई दिनों से जो अपसाइड मूवमेंट करेंटली हमें दे रहा है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया भी है जहाँ पे हमें जो रेजिस्टेंस फेस करते हो जरूर देखने मिलने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पे 20 MA 50 MA के बहुत ही ज्यादा अभी जो अपसाइड में जो आ चुका है, 200 MA भी यहाँ पे नीचे और 20 MA और 50 MA दोनों यहाँ पे नीचे चल रहे हैं स्टॉक के प्राइस से। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा जो वेट करना चाहिए और यहाँ पे हमें जो है करंटली लॉन्ग है तो यहाँ पे लॉन्ग के लिए तुरंत हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए, एक करेक्शन के बाद ही हमें लॉन्ग के लिए एंट्री लेनी चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टॉक में हमें डाउनसाइड सबसे पहले 28.57 के आसपास देखने मिलने वाला है। जैसे उसको यहाँ पे क्रॉस करते हुए स्टॉक जाए तो 27.79 के आसपास हमारा स्टॉक जो है वो आ जाएगा। कभी भी स्टॉक यहाँ पे 27.79 के नीचे अगर आपको आते हुए देखने मिले वहाँ पे जरूर जो आप अपना एवरेजिंग जो है प्राइस कर सकते हैं या फिर अगर आप होल्ड नहीं करें तो आप बाइंग भी वहाँ पे जो है कर सकते हैं। लेकिन बाइंग जो आप थोड़े थोड़े बिट में करें, मतलब अगर आपको समझ लो फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए है आपके पास तो यहाँ पे आप 25 25 25 करके चार पार्ट में आप जो है जब भी स्टॉक नीचे जाए वहां पे आप बाइंग करें और चार पार्ट पे उसको बाइंग करें। यानी कि यहाँ पे जब तक स्टॉक 26.88 अगर आपका आपको नीचे आते हुए देखने मिल रहा है तो वहां तक जो है आप जरूर यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं उस चार पार्ट को। बाकी हमारा ओपिनियन आने वाले दिनों के लिए जरूर नेगेटिव साइड का है। आपको यहाँ पे क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी की अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो ऑन कर ले क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में कल के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया, ऑलरेडी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस सारे के सारे एज सच जो है मार्क्ड है। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते कहीं यहाँ पे हमें कोई नया जो है डेटा देखने मिल रहा है तो यहाँ पे मार्किंग उसका कर लेते। तो यहाँ पे मुझे एक नया डेटा जो है देखने मिल रहा है जरूर मैं यहाँ पे मार्किंग जो है करके रख देता हूँ। तो जिस तरह से मैं यहाँ पे मार्किंग जो कर रहा हूँ मैं चाहूंगा आप भी जो सेम टू सेम अपने चार्ट पे जो मार्किंग्स कर ले क्योंकि ये सारी की सारी मार्किंग जो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी अपना एक टारगेट और स्टॉप लॉस को जो यहाँ पे खास करके मेंटेन करने में। तो यहाँ पे कहीं ज्यादा ही यहाँ पे डेटा जो है एक्स्ट्रा हमारे हमें जो देखने मिल रहे हैं तो यहाँ पे जरूर जो मैं उसको मार्क करके ही रख देता हूँ ताकि यहाँ पे हम जो है कोई भी अपनी अपॉर्चुनिटी को है जो यहाँ पे गलत वे में यहाँ पे जो है ना ट्रेड ले ले और साथ ही साथ यहाँ पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी को जो मिस भी ना करे। तो यहाँ पे मार्किंग्स हमारी हो चुकी है, अगर आप चाहें तो हमारे इस वीडियो को पॉज करके
आप अपने चार्ट पे जो मार्किंग ये कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं सीधा इसके क्लोजिंग की। तो 29.29 के आसपास क्लोजिंग हुई है, डायरेक्ट सपोर्ट आता 29.07 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता 29.36 का। तो याद रखना, डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो है कल के दिन घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है, जरूर जब उस वीडियो को देख ले, वहां पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया है। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में कल के लिए, तो कल का मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 28.85 का, उसके बाद क्या आता है 28.65 का, यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद क्या अगला रेजिस्टेंस आता है 29.60 का, उसके बाद क्या आता है 29.82 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको बताए हैं जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जब अपना यहाँ पे कल के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ तो कल के दिन यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे मेरा ओपिनियन कल के दिन क्लोजिंग का नेगेटिव का, लेकिन कल के दिन मूवमेंट किस तरह से हमें देखने मिल सकता है वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। मूवमेंट हमें यहाँ पे जो एक गैप अप का देखने मिल सकता है, फिर वहाँ से रिवर्सल हमें देखने मिल सकता है और नो ट्रेडिंग एरिया के रेंज में जो हमें क्लोजिंग जो देखने मिल सकती है, मतलब 29.07 से लेकर 29.36 के रेंज में यहाँ पे क्लोजिंग जो देखने मिल सकती है। ओवरऑल न्यूट्रल से हमें जो है क्लोजिंग देखने मिलेगी, लेकिन स्लाइटली यहाँ पे मैं नेगेटिव साइड में जो है यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल के दिन क्लोजिंग होगी। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।